हमने एक नई वॉलंटियर ढूंढी है अपने लिए, रीता कौशल, जो आज तकरीब की निजामत के फराइज अंजाम देंगी। रीता जी प्लीज। रीता का नाम लोगों के लिए नया नहीं है, हिंदी समाज की बहुत एक्टिव कारकुन है, और अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो ये जो मैगजीन एडिट करती है ये लिप्स अब वर्थ वाइल समथिंग टू रीड। और जो आप, मेरी उर्दू बहुत ख़राब हो गई नहीं, जब बहुत सारे उर्दू दान होते हैं तो मेरी उर्दू नहीं होती। तो रीटा इंडिया से, फिर सिंगापुर से, और फिर यहाँ पर्थ में है। ऑफिशियली ये नेटलैंड काउंसिल में फाइनेंस ऑफिसर के तौर पर काम करती है, लेकिन शायरी में आप सब लोग मुझसे ज़्यादा इन्हें जानते हैं और पहले सुन चुके हैं, तो मेरा ख्याल है मैं अब यहाँ से गायब हूँ और रीता जी आपके हवाले। हमारे पास सदर महफिल एक है, लेकिन सदर महफिल ने यहाँ बैठने से इनकार कर दिया है, तो हम आखिर में उनको दावत। बहुत बहुत शुक्रिया जनीन साहिबा मुझे बुलाने के लिए और ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए। सबसे पहले दो शेर से शुरुआत करती हूँ, फिर एक मुकम्मल गजल तरन्नुम में कोशिश करूंगी, अगर आप झेलने के लिए तैयार हैं तो। न जान ही गई, न जान ही गई, न चैन से जिया ही गया, न जान ही गई, न चैन से जिया ही गया, तुमसे बिछड़ कर हमसे किसी का हुआ ना गया। बेचैन दिल को कभी मिल ना सका करार, बेचैन दिल को कभी मिल ना सका करार, जिंदगी खत्म होने को है करते करते इंतजार। अब एक गजल। ख्वाब देखूं या हकीकत में रहूं, ख्वाब देखूं या हकीकत में रहूं, मेरी हर बात में होते हो तुम, कहाँ खोए हो किस हाल में हो, कहाँ खोए हो किस हाल में हो, उलझा सवाल बन गए हो तुम, मुद्दतों से ऐसे खोए हो कहीं, मुद्दतों से ऐसे खोए हो कहीं, बेता इंतजार बन गए हो तुम, उम्र भर हम से छूटा ही नहीं, उम्र भर हम से छूटा ही नहीं, ऐसे रंग में रंग गए हो तुम, उम्र रोशनी मेरी बुझनी सी लगी, उम्र रोशनी मेरी बुझनी सी लगी, फिर भी उम्मीद में रोशन हो तुम, सांसों की सर गम गुनगुनाए मेरी, सांसों की सर गम गुनगुनाए मेरी, वो तरन्नुम बन गए हो तुम, फलसफाए इश्क सिखा के मुझे, फलसफाए इश्क सिखा के मुझे, मुकम्मल किताब कर गए हो तुम, मुकम्मल किताब कर गए हो तुम, मेरी हर बात में होते हो तुम, मेरी हर बात में होते हो तुम, मेरी हर बात में होते हो तुम। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ